अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें। एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे, तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। अगर हमारे जहां गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे। बात करने से मसले हल होते हैं, टेबल पे बैठ के एक दूसरे की पहले उसकी सुने फिर अपनी सुनाए। लेकिन वो ये कहते हैं बात करें, अटैक ना करें। अब हाफिज सईद साहब वहां से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना। जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा, ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहां पे दहशतगर्द पेंट मत करें। ये इंडिया के खुद सियासतदान कहते हैं कि इंडियन न्यूज चैनल जो ना गोदी मीडिया है, ताकि मोदी के हवाले से काफ़ी उसकी फेवर में बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और हमारी दोनों मुल्क की जो आवाम है ना इसको लड़ाने की बात करते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब इंडिया के, तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ में लाया, लोगों को हैरान कर दिया, वाजपेयी साहब खामोश हो गए। वो आना चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम फिर रहे हैं ऐसे ही वो फिरना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आने से पहले मैं इंडिया जाना चाहता था यहाँ से बाय रोड, तो मैंने पता किया तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिल सकता, आप क्यों जाना चाहते हैं, वाई यू वन गो दे, मैं कह वाई आखा गो दे। बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटेजी से जो उनके नाना थे जितने काबल जीरक फहमो फरासत वाले और जहीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीज़ें मनवा लेनी चाहिए। और इवन के मियाँ साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियाँ साहब जल्दी जल्दी गले नहीं मिले, मियाँ साहब पे इतना प्रेशर है। इसका प्रेशर? प्रेशर पाकिस्तानी आवाम का कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला, इन्होंने इतना मियाँ साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला खुदारा इस चीज़ को। सिचुएशन ये है कि इन 2-3 साल के अंदर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ा, महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है कि जो लोग घर का किचन 1 लाख में या 50 में चलाते थे अब उनका 2 में भी नहीं चल रहा, हर चीज़ की कुछ 7 टाइम उनकी ना वो प्राइसेस बढ़ गए। खासतौर पे जो घरेलू चीज़ें हैं जैसे जिसमें सब्जी आती है, खाने पान पकाने की चीज़ें आती हैं, और 2-3 साल से 3-4 साल से ही ट्रेड हमने इंडिया से बंद की। अभी टॉपिक ये है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 75 साल से कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सर्द कभी गर्म चलते हैं, जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है साथ ही एक अच्छी खबर आती है 10 बुरी खबरें आ जाती हैं। 12 साल बाद कोई पाकिस्तान से फॉरेन मिनिस्टर इंडिया जा रहे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, अनाउंस हुआ अगले दिन ही कश्मीर में अटैक हो गया, इंडिया साइड कश्मीर में उनके 5 जवान शहीद हो गए और उनका गुस्सा फिर से बढ़ गया। क्या समझते हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया जाएंगे कोई फायदा होगा, और क्या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो बायलैटरल गुफ्तगू करेंगे बिलावल साहब के साथ? जी गुजारिश ये कर रहा हूँ कि बिलावल साहब जाएंगे और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो बात भी करेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ सालों से। जो रिजल्ट आना चाहिए ना वो नहीं आ रहा। हम आज से तकरीबन अगर हम 30-40 साल पहले चले जाएं, जुल्फकार अली भुट्टो साहब जाते थे, वो अपना जो भी मसला था उसका सलूशन लेके आते थे, उठते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल भुट्टो साहब जो थे वो फाइनेंस वो जो के उन्होंने 92-93 हज़ार फौजी छुड़वाए या उनकी बात की, देखे ना मोहब्बत की बात है और उनमें ये चीज़ें थी। लेकिन जो हमारी मौजूदा क्यादत है इसमें मैं समझता हूँ बिलावल साहब अभी शायद उतने एक्सपीरियंस नहीं हैं, और मे भी आने वाले चंद सालों में अल्लाह करे कि वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएँ कि उन लोगों से डायलॉग के ज़रिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कर सकें। लेकिन आपने बोला चंद सालों में वो इतने एक्सपीरियंस हो जाएं, उतनी देर में हमारे चंद साल जो उनसे मज़ीद ज़ाया होंगे बुरी तरह से ज़ाया होंगे। आप मैं लिख देता हूँ ये जो जा रहा है ना इसका अगर कुछ फ़ायदा हो गया तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, कोई फायदा इससे पहले भी तो जा चुके हैं 3-4 दफ़ा कुछ नहीं। अच्छा, इसमें बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये उठता है, फायदा क्या हमारी वजह से नहीं होगा, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम बात कर सकें, या वो फायदा नहीं दे, मतलब ये क्लियर कर। एक तो सर वो भी फायदा जल्दी नहीं देना चाहते, वो बड़े तेज लोग हैं तो तेज होना बुरी बात है? नहीं, बुरी से मुराद है कि हम बज़ाहिर तो वो हमें दोस्त बनने की कोशिश, लेकिन हैं तो दुश्मन है। 47 से आज तक जो भी हमने उनसे लिया है हमने अपनी विल पावर पे, अपनी अकलो दाने से, फहमो फरासत से, भुट्टो साहब ने भी उनसे जो लिया है
वो अपनी फेम फरासत से लिया, फौजी छुड़वाए पहले, मतलब ये है कि हमने पहले जंग छेड़ी, उसके बाद फिर जब जंग हो गई तो फौजी छुड़वाए, फौजी छुड़वाए और कई मामला थे। तो यही हम जंग अगर करते ना करते तो आज हालात और होते। देखे पानी के मामले के भी ऊपर भी बात, पानी जो है उस पर बात होती है, लेकिन वो फिर पानी का वो कर देते हैं हर दफा, और अगर जरूरत नहीं होती तो इतना ज्यादा छोड़ देते हैं कि हम लोग जो है वो सैलाब में वो कहीं हमारे गांव डूब जाते हैं। इसमें ये है ना, हमें भी देखना चाहिए हम डैम बनाए, अगर वो पानी ना छोड़ेंगे उनके वहाँ पे फ्लड आएगा तो उनका नुकसान है, कोई अपना नुकसान तो नहीं करता। नहीं नहीं करता। जी, जी। अच्छा आप सेकंड ये बताएं, वो ये कहते हैं कि पहले नंबर पे इस टाइम जैसे इंडिया वालों का ये स्टांस है कि जैसे वो इस टाइम ग्रो कर रहे हैं, दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में शायद तीसरी बनने जा रहे हैं, अल्लाह करे बने भी, हमें फख्र होगा हमारा नेबर ग्रो कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं हम तो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हमें आपकी क्या जरूरत है, फिर भी हम आपके साथ अगर बातचीत करते हैं, रिलेशन बेहतर करते हैं तो हमें अटैक मिलता है बदले में, कभी पूंछ अटैक, कभी पुलवामा अटैक, उनका ये स्टांस। जी 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 जी, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। अगर आप उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप छोटे छोटे अटैक ना करें, फिर आप ना उसके साथ उसे सही वो बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ भुट्टो साहब को एक दफ़ा नहीं, बिलावल साहब को भी जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी स्ट्रेटेजी से जो उनके नाना थे जितने काबिल जीरक फहमो फरासत वाले और जहीन आदमी थे, इसी तरह उन लोगों से अपनी चीजें मनवा लेनी चाहिए और दोस्ती के जरिए, डायलॉग के जरिए हो सकता है। मैं 100% इसी बात से एग्री करता हूं कि अगर अगर लेट्स सपोज यहां से अटैक हो रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इससे हमारा नुकसान है। आप उनका नुकसान करेंगे, उनके 5 जवान शहीद होंगे, 10 होंगे, लेकिन बदले में हमारे यहाँ पे क्या होगा वो आप सोच नहीं सकते, 75 साल से हो रहा है। सेकेंडली कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में ये बात आती है कि यार शायद पाकिस्तान भी कसूरवार नहीं, शायद इंडिया भी कसूरवार नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जब देखती है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो रहे हैं वो ऐसा कुछ ना कुछ करती है। जी हाँ, ऐसी एजेंसीज हैं वाकई, और दूसरे ममालिक की एजेंसीज हैं जो ऐसा करती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये हमारे हुक्मरानों को, लीडरशिप को इसमें इतनी मजबूत स्ट्रेटेजी चाहिए, इसमें ऐसी अकलो दानश वाले लोग हों कि जो डायलॉग के जरिए उन सब चीज़ों को, जैसे आपने परवेज मुशर्रफ साहब इंडिया गए तो काफ़ी सारे लोग, उन दिनों जंग का ख़तरा था बहुत ज़्यादा, तो एक वो सार कॉन्फ्रेंस में गए तो बैठे हुए थे कौन, वाजपेयी साहब, तो उठ के उन्होंने जाके हाथ में लाया, लोगों को हैरान कर दिया, वाजपेयी साहब खामोश हो गए कि उन दिनों जंग का ख़तरा था, उन्होंने दुनिया को बताया कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम अमन के राही हैं, हम ये जो अकल रखते हैं वो ये बात करते हैं, अगर अगले बंदे को गुस्सा है आप उसका गुस्सा खत्म करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का कोई गेस्चर दें, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, पूंछ अटैक होता है, वहाँ पे जाहिर बात है उनके जवान मरे हैं उन्हें गुस्सा आएगा, और हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट आती है कि अगर यहाँ पे कुछ किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे यहाँ से कोई हुआ तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे जिसपे उन लोगों में गम गुस्सा ना आए, हमारे हमारी ट्रेड बढ़े, हमारी आज वहाँ अगर हमारी ट्रेड खुल जाती है तो हमारी इकोनॉमी बड़ी बेटर हो जाएगी, और हमारी जो इन्फ्लेशन का रेट है ये बहुत नीचे आ जाएगा। ज्यादा फायदा किसको होगा ट्रेड खुलने का, पाकिस्तान को, इंडिया को? मैं कहता हूँ पहले पाकिस्तान को फायदा, कि चीजें सस्ती आएंगी जो कि नहीं आ रही, आप सब्जियों में देखें फिक्स रेट हो गए इतनी महंगी, अगर ये ट्रेड जब तक खुली हुई थी यही प्याज आप देखें 100-150 से नीचे जो प्याज 20-30 रुपए किलो था, ये ट्रेड खुलनी चाहिए और इनके आपस के अच्छे डायलॉग हों ताकि वो लोग कश्मीर में भी अटैक कम करें और हमारे साथ उनके तल्लुकात अच्छे रहें। जंग किसी मसले का हल नहीं है। अभी सिंध में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, अभी पाकिस्तान में मेडिसिन की शॉर्टेज चल रही है, महंगी हो रही है दवाइयाँ, और इंडिया को वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है। ऐसे में अगर हम अपनी अकल यूज करें कि भाई नफरत से क्या 75, एक तो हम डिफेंस में इतना पैसा भी लगा देते हैं और फिर दूसरे नंबर पर मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, यही अगर हमारी जो स्ट्रेटजी बेहतर हो, हमारी पॉलिसीज बेहतर हो, हम मेडिसिन भी ले सकते हैं और डिफेंस का पैसा एजुकेशन पे लगा सकते हैं। ऐसी बात है, ये बहुत, मैं कहता हूँ जी आपने एक इंतहाई पॉइंट जो है आपने रेज किया है, इंतहाई अहम पॉइंट है कि हम जो पैसे डिफेंस पे इधर, वही हम अपनी किसी अच्छी चीज पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे जो लगाएं और हम इसी चीज को कम करें, ये चीज हमारे फाइनेंस जो हमारे वजीर खारजा साहब हैं
ये उनके जरिए होनी चाहिए और डायलॉग होने चाहिए। मियां साहब तो इंडिया में कहा जाया करते थे, लेकिन वो तो जाते थे, उनके भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कहता हूँ कि आओ मिलके जंग करें, लेकिन जंग करें दहशतगर्दी के खिलाफ, जंग करें गुरबत के खिलाफ। हमें नहीं था चाहिए कि हम मिल जाते उस टाइम, बहुत अच्छा था, मिलना चाहिए था, हमें चाहिए था मिलना। और इवन के मियां साहब पे इतना प्रेशर था कि मोदी साहब आए तो मियां साहब जल्दी जल्दी गले नहीं मिले, मियां साहब पे इतना प्रेशर है। इसका प्रेशर पाकिस्तानी अवाम का कि वो हिंदू को गले मिल रहे हैं और फला। इन्होंने इतना मियां साहब को उस वक्त भी लोगों ने यहाँ से बोला खुदारा इस चीज को नारे लगे मोदी का जो यार है गद्दार है गद्दार है इस तरह। आज वो मोदी अपने कंट्री को कहां लेके चले गए और वो मियां साहब कहां पे मौजूद है और उनका कंट्री कहां पे मौजूद है साथ के सामने। सर आप देखें फ्यूल वहां पे हमारे 292 मिल रहा है, यहां पे पेट्रोल इंडिया में पेट्रोल 100 रुपये पे मिल रहा है, यहाँ पे मटन मिल रहा है 2200 रुपए, इंडिया में 640 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जियों की बात कर ले वहाँ पे 20 रुपए 10 रुपए रेट है और यहाँ पे 200-300 रेट है। अगर हमारे रिलेशन अच्छे हों, हम उनसे ट्रेडिंग करें, हम उनसे वेजिटेबल्स मंगवाएं, मीट मंगवाएं और चीजें, हमारी देखे ना महंगाई नीचे आती है कि नहीं, दिनों में। लेकिन आजकल क्योंकि हम भी YouTube चैनल चलाते हैं, वहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, यहाँ के लोगों की ओपिनियन भी देखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई अब हमें रिलेशन चाहिए ही नहीं, हम जब रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं आप अटैक करवा देते हो, आप कभी कश्मीर में अटैक करवा देते हो, कभी आप कहीं पे अटैक। उनका ये स्टांस है कि भाई अब हमें पाकिस्तान से रिलेशन चाहिए ही नहीं। इतनी जो सोच, इतना जो गुस्सा उनका भरा है, वो गुस्सा हम कैसे खत्म करेंगे? क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे? गुस्से का जवाब नहीं, उस चीज को उन्हें ठंडा किया जाएगा और एक्सक्यूज के अगर हमारे फौजियों से गलती हुई या कहीं पे तो दोबारा नहीं होगी। आप इन्वेस्टिगेशन करें, अगर हमारे जहां गिल्टी होंगे हम उन्हें करप्ट को सजा देंगे और उनका गुस्सा ठंडा करें, फिर उनके साथ देखें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप किसी से अच्छे तलकात चाहते हो तो उसे तोहफे तहाइफ दो, और उससे प्यार, इससे प्यार बढ़ता है। आप देखो कि आपकी ट्रेडिंग जो है वो मुतासर हो रही है, आपके कई चीज़ें मुतासर हो गई हैं, आप उनसे मिलें जुलें, उनका गुस्सा, और वो ऐसी आपने करतारपुर राहदारी भी तो ख़त्म की, आप बाकी भी राहदारियाँ ख़त्म करें, हमारा बिजनेस ओपन होना चाहिए। और ये जो सोच है जी हिंदू से गले मिला मुसलमान से गले मिला, देखें इसमें नुकसान हिंदू का नुकसान हुआ मुझे ये बताएं। नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ, हमारा सोच हमें बदलने की जरूरत है। आप अपने मजहब पे रहना चाहते हो, मैं अपने मजहब पे रहना चाहता हूँ, रहें, डट के रहें, लेकिन अगले की रिस्पेक्ट करें हर सूरत। और इस्लाम ने ये चीजें नहीं कही हैं, कोई हिंदू है तो कोई फला है तो उसे नफरत करें, कभी ये नहीं है। इस्लाम जो फैला है वो बजोरे शमशीर तलवार से नहीं, वो प्यार से फैला है। और एक प्यारा मैसेज मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक अल्लाह का बंदा उठा मदीने से और क्या था, कुछ नहीं था, कोई घोड़े पे या तलवार पे इस्लाम नहीं फैला। आज पूरी दुनिया में 172 ममालिक में करैक्टर अपने अखलाक के बिना पे इस्लाम फैला। लेकिन आज हमारे मौलवी हजरात मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छी बात भी करते हैं, पीस की मोहब्बत की भी बात करते हैं, लेकिन अक्सर ये नहीं सुनने में आता हम जिहाद करेंगे, हम लाल किले पे झंडा लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, और सिर्फ बात है। जब उन्हें कहें आओ भाई लगाओ हम आपके साथ हैं, तब हम कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी वो तो अदारों का काम है। हाँ नहीं 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 उसमें नहीं जाते। और देखें अब हाफिज सईद साहब वहां से पकड़े गए, वो किसकी बदनामी हुई? पाकिस्तान की हुई ना, जब जहाज 98 में गवाह हुआ, जब 12 दिन जहाज हाईजैक रहा। ऐसे मामलात में खुदारा मुस्लिम्स को वहां पे दहशतगर्द पेंट मत करें, हमारी अपनी हरकतों की वजह से कि आप अच्छे उनके साथ ताल्लुक रखें, ऐसे ताल्लुक रखें कि वो कश्मीर में भी जो है वो फ्रीडम दें, वो कश्मीरियों को भी वो उनका हक दें, कि वो खुद ही कहे नहीं यार कश्मीरियों के साथ ना। ठीक है, आपकी काफी बातों से मैं एग्री करता हूँ, अच्छा भी लगा आपसे बात करके। लेकिन जो आपने कश्मीर वाली बात की है, मैं खुद कश्मीर गया, पाकिस्तान साइड पे जो कश्मीर है वो विजिट किया, इंडिया साइड पे जो कश्मीर है वो वर्चुअली विजिट किया, वहाँ के जर्नलिस्ट से हमने बात की, वहाँ पे जितनी अब तेजी से ग्रोथ आ रही है वो आप देखें, नेट पे जाके सर्च करिए, अगर हमारे यहाँ पे जो कश्मीरी अगर आपसे कभी किसी से मुलाकात हो तो उनसे पूछेगा यहाँ पे क्या चीजें हैं, फिर बहुत सी चीजें क्लियर होगी। लास्ट में कोई मैसेज इंडियंस को देना चाहे, बहुत गुस्से में है, कोई मोहब्बत भरा अगर आप देना चाहें तो। जी मैं इंडियंस को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें सबसे पहला जो मजहब है वो हम मुसलमान हैं, लेकिन उसके साथ हम इंसान हैं, इंसानियत का,
ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जब कोई सड़क पे कोई शख्स मर रहा होता है तो कोई उससे ये नहीं पूछता कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो, उसे हम फर्स्ट एड देते हैं ना, ये नहीं देखते कि उसे सबसे पहले हम मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं कि वो बच जाए। ये बात की बातें हैं। खुदारा वो अच्छा अपना अखलाक रखें, और जो आपके जहन में है मुसलमान तशद्दुद का लहजा नहीं रखते और एहतजाज और वायलेंस को पसंद नहीं करते, हम अमन वाले लोग हैं और हम आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। आप भी अपना गमों का गुस्सा ख़त्म करें और हमारे खिलाफ या ऐसे वहाँ पे वो ना करें, आप एक कदम दोस्ती का बढ़ा के तो देखें, फिर देखें हम कितने मेहमान नवाज। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, इनकी बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ बातों से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है और हर एक को राइट है को अपनी ओपिनियन दे सके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया भाई। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद लफकार अली। आपका नाम? मोहसिन। आपका नाम? मोहम्मद शकील। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ जी। और आप? मैं यूके से आया हूँ भाई। यूके से आए हैं, ज़बरदस्त। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस कैसे मिलकर रहते हैं, लेकिन पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है आज का कि अभी खबर ये है कि एससीओ की मीटिंग होने जा रही है इंडिया में, और उसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे, लेकिन वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी कुछ दिन पहले पूंछ अटैक हुआ वहाँ इंडिया साइड पे, इस वजह से उन्होंने बोला है, खबर ये आ रही है कि शायद वो बायलैटरल मुलाकात नहीं करेंगे बिलावल भुट्टो के साथ, मतलब वन टू वन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे कि जब भी बहुत सालों बाद कोई अच्छी खबर आती है, रिलेशन बेहतर होने की बात होती है, कभी कहीं पर अटैक हो जाता है, कभी वहाँ पर हो जाता है, कभी यहाँ पर हो जाता है, क्या वजह है? हमको अपने मुल्क के लिए, बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए इंडिया से रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए, और आने वाली नस्लों के लिए इसमें जो है ना बेहतरी के सार पैदा होंगे। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपकी तरफ आता हूँ, आप यूके में रहते हैं, वहाँ पे डेफिनेटली इंडियंस भी आपके साथ रहते होंगे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं, वहाँ पे सारे बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या वजह बनती है, यहाँ पे हम आते हैं तो हमें ऐसा, मतलब इधर इंडिया का नाम लेने से ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं है तो दुश्मन का नाम। अवाम ने नहीं, अवाम जो है ना वो चाहती है कि इकट्ठे हों, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं चाहते, बस ये चाहते। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हुआ, पूंछ के जो सा एरिया वहाँ पे अटैक हुआ, 5 उनके फौजी जवान जो से शहीद हुए, और कहा यह जा रहा है कि मतलब उनकी तरफ से ये स्टांस है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कोई तंजीम है जिसने ये करवाया। 12 साल बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जा रहे थे इंडिया के विजिट पे, बड़ी उम्मीद थी, मुझे बड़ी उम्मीद थी, पाकिस्तानियों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद कुछ रिलेशन बेहतर होने जाएंगे, लेकिन साथ ही ये वाकया, अनफॉर्चूनेटली एवरी टाइम सेम यही होता है, यही प्रॉब्लम होती है, फिर रिलेशन बेहतर होने की। हाँ जी, यही होता है, हर दफ़ा ऐसे ही होता है भाई। ये है कि हम वहाँ पर देख लें कि कभी ऐसे नहीं सुना कि हम इकट्ठे रहते हैं, इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, सिख भाई रहते हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारे एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, पर यहीं पे ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये करवाता कौन होगा आपके ख्याल में, पाकिस्तान, इंडिया या कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पावर ऐसा करवाती होगी कि रिलेशन खराब? नहीं, ये हाई लेवल पे ही होता है जो भी होता है, और ये थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि इसमें हमारी आवाम है। हम देख लें, आप यूट्यूब पे कोई चैनल्स देख के देख लें, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है पाकिस्तानी अवाम को भी, उधर इंडियन अवाम को भी। मैं अपनी बात करूं, मेरा चैनल वहां पे बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अगर हम पीस की, मोहब्बत की, पॉजिटिव बात करते हैं तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब हम बात कर देंगे जंग की, नफरतों की, डेफिनेटली उन्हें तो गुस्सा आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, पर अभी हालात ये हो गए भाई जान, ये कि जो दुनिया है ना पूरी, वो ग्लोबल वर्ल्ड बन गई है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें जो ना ये कॉन्सेप्ट पर ख़त्म हो गए, जंग होगी, ये होगा, वो होगा, बस ये यूरोप की तरह जैसे मिल के वो रह रहे हैं, उनमें जंगें भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज वो मिल के रह रहे हैं। देखें आप इटली देख लें या जर्मन देख लें, आप यूके का, जर्मन का आपस में मतलब के ताल्लुकात थे, लेकिन अभी इकट्ठे रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। आपके वहाँ पे आपके साथ जो इंडियंस रहते हैं, वो आप कभी डिस्कशन तो करते होंगे, मतलब कि यार इंडिया पाकिस्तान, ये वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में? आना चाहते हैं यहाँ पे जैसे हम फिर रहे हैं ऐसे ही वो फिरना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आने से पहले मैं इंडिया जाना चाहता था यहाँ से बाई रोड, तो मैंने पता किया तो वो कहते हैं कि आपको ऐसे वीज़ा नहीं मिल सकता, आप क्यों जाना चाहते हैं, वाई यू वन गो दे, मैं क्या वाई आखा गो दे, सो बेसिकली वो कहते हैं कि आप, क्योंकि मैं ओबियसली पाकिस्तानी बोर्न हूँ, बट वो कहते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, वजह क्या है, तो ये चीज़ें 75 सालों से
इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन चुकी हैं कि बिल्कुल साथ ही। इस टाइम हम लाहौर में मौजूद हैं और कुछ ही किलोमीटर के फासले पे इंडिया है, लेकिन हम वहाँ जा नहीं सकते, वहाँ के लोग इजीली यहाँ आ नहीं सकते। और कहीं जी जैसे हमारे पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल और जैसे यूट्यूबर कोशिश करते हैं पाकिस्तान इंडिया के तल्लक अच्छे हों, इस तरह इंडिया के लोगों को भी और उनके चैनल्स को भी कोशिश करनी चाहिए। वो कहते हैं, वो तो मैं अपने चैनल की बात करूं, ज़्यादातर वहां से देखा जाता है, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब भी हम रिलेशन बेहतर करने की बात करते हैं कोई ना कोई अटैक हो जाता है, कभी पुलवामा अटैक हो जाता है, कभी पूंछ अटैक हो जाता है, फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि यार इनके साथ हम मोहब्बत की बात करते हैं तो ये हमें डसते हैं, उनका ये स्टांस। ये इंडिया के खुद सियासतदान कहते हैं कि इंडियन न्यूज़ चैनल जो है ना गोदी मीडिया है, ताकि मोदी के हवाले से काफ़ी उसकी फेवर में बात करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं और हमारी दोनों मुल्क की जो आवाम है ना इसको लड़ाने की बात करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा मोहब्बत और प्यार का पैगाम आया है। जब भी इंडिया की टीम आई है या कोई भी उधर से लोग आए हैं, फनकार आए हैं, हम लोगों ने दिल खोल के मोहब्बत की है उनसे, मगर उधर जाते हैं तो लोग जो उधर के जो है ना लोग नफरत का इजहार करते हैं। इधर से बड़े बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जो वहां पर जाके अपना नाम बना के आए। अगर आतिफ असलम की बात करें, अली जफर की बात करें, शायद वो वहां पर जाने से पहले यहां पे उन्हें कोई जानता नहीं। अभी तो आप देख लें उनमें नफरत इतनी है कि इंडियन जो मुसलमान अदाकार हैं उनसे भी नफरत करते हैं। कब हुआ कौन से शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी फिल्म तो हिट जा रही है, आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं अभी इमरान खान की, आमिर खान की रिसेंटली फिल्म जो आई है उसका बायकॉट किया गया और फिल्म फ्लॉप हुई है। उन्होंने तो अक्षय कुमार की मूवी का भी बायकॉट किया अक्सर, और इसके अलावा उनके अपने ऐसे यही चीज है ना कि उनकी आवाम आपस में इतनी नफरत करती है एक दूसरे से, इसी वाले से पाकिस्तान को भी इसी नजर से देखते हैं। अगर उनकी आपको लगता है, पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं वहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं वो नफरत करते हैं या मोहब्बत करते हैं आपके ख्याल में? देखें मेरे से ज्यादा और आपसे ज्यादा, ये शायद ज्यादा बेहतर जान दे क्योंकि ये बात कुछ मैं बात रोकता हूँ। जो चंद लोग हैं जो नफरत का इजहार करते हैं, फिर मगर नजर तो पूरा भारत ही आएगा ना, पूरा इंडिया सामने। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? ये बात ऐसे है कि जब कोई बंदा बाहर जाता है ना, अब ऑब्वियसली आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी मेंटालिटी डिफरेंट होगी, लेकिन आप जब डिफरेंट कंट्री में जाएंगे वहाँ पे आप एटमोसफियर देखेंगे, डिफरेंट बंदों से मिलेंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली जो ना आपकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। तो यही वजह है कि जैसे ये भाई कह रहे हैं, अब जारी बात है कि नेशनल लेवल पे अगर इंडिया में लोग हैं जो, वो हो सकता है कि उनके जेहन में कोई बातें आती हों, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताएं ना, हो सकते हैं कि बेस पे तो हम बात नहीं करते, आप अपना एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो मैंने वहाँ पे देखा है ना यूके में, वहाँ पे टोटली डिफरेंट है। जो खुद एक्सपीरियंस किया वो ये कह रहे हैं नफरत नहीं करते। यूके में इंडियन यूके में रह रहे हैं, पाकिस्तानी यूके में रह रहे हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, मगर मैं बात इंडिया की कर रहा हूँ ना कि इंडिया के लोग भी मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाएं, हम तो पहले से मोहब्बत का हाथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होंगे हालात। अच्छा लगा आपसे बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पीपल टू पीपल कनेक्शन होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। जैसे ये भाई ने बोला कि वहाँ पे मिलके रहते हैं, नफरत नहीं मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस किया, मैंने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, इन्होंने अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, तो हम तो वही बात करेंगे जो हम खबर पे देखेंगे, टीवी पे देखेंगे, भाई नफरत हो रही है, ये चीज़ हो रही है। मीडिया पे डिफरेंट है, मीडिया पे डिफरेंट है, लेकिन एक्चुअली जो आप देखते हैं ना, जो नॉर्मल आप हालात देखते हैं वो डिफरेंट होता है। कभी रिलेशन बेहतर हो पाएंगे या नहीं, एट द एंड आप उम्मीद तो रखनी चाहिए अल्लाह के घर में कि इंशाल्लाह हम तो कोशिश करते रहेंगे, ये दोनों मुल्क की आवाम के लिए बेहतरी है, हालात अच्छे होंगे तो हम इस खित्ते को ऊपर उठाएंगे, रिलेशन बेहतर होंगे।